और ये है आज की ताजा खबर। आएगा सर ये न्यूज़ में? किस न्यूज़ पे आएगा सर? News 24/7। वो रिकॉर्डिंग आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो मैंने आपको बुलवाया और आपने तो आप ये बताइए जो शिविर का आप लगा रहे हैं कोविशील्ड लगा रहे हैं तो ये पूरी तरह सुरक्षित है जनता के लिए? सर अब वो 90% तो आना ही जा सकता है। पहली डोज आप दे रहे हो या अब तक कितने लोग हैं आप देश में रखे आज की डेट में? 90 लोग। जो जनता है वो किस टाइप की जनता आपके पास आ रही है? मतलब जो एटीएम है 45। ओके, तो अभी वही जो है आपको भी इसे माफी बोल सकते आप यूज किए गए तो ये आईटीएम से कैंट चलेगा चार। हाँ आकाश जी बताइए। बस मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है और मैं भारत संघ भारत संघ से इसके साथ में काफ़ी टाइम जुड़ा हूँ सोशल वर्क में। भारत संघ लगातार हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहा है जैसे कि अभी हम पहले हमसे इच्छुक होते हैं उनको इंश्योरेंस में ले जाके और आदरणीय नमिता बाबी के साथ मरे होते हैं हम लोग उनको बलरामपुर हॉस्पिटल में उनका जाँच कर रहा है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कुछ दिन पहले अपने यहाँ कार्यालय गांधीपुर में मैं एक मीटिंग रखी थी उसमें सभी लोग का आयोजन हुआ था और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिखाई दी थी कि वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लोगों ने वहाँ के लिए तो सब लोगों ने बोला वैक्सीनेशन के कब कैसे होगा टीकाकरण कब होगा उसके सिस्टम काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि हाँ वैक्सीनेशन होना है और वो निर्धारित एक दिनांक नहीं मिल रही थी डेट नहीं मिल पा रही थी कहीं हम लोग को मैं क्या कहता हूँ फिर आज का डेट मिली डॉक्टर की तरफ से तो फिर हम लोग सब जुट गए अपने काम में करती हूँ उनके साथ इसमें हम लोग के भारत संगम इकोनॉमिक सोसाइटी के साथ वॉयस का काफ़ी योगदान रहता है और काफ़ी सहयोग करता है जितना हो सकेगा हम लोग पूरे प्रयास करेंगे समाज में अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। बस यही सब हम लोगों का एकेबी के चैनल के माध्यम से आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ
कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हमारी भारत संगम भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी की ओर से एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फिक्स किया गया है। यहाँ पे सुबह से मैं देख रहा हूँ जनता जो है आ रही है और वैक्सीन लगवा रही है। ये कोरोना को मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने वैक्सीन का इजाद किया हुआ है और इसका जो है पूरा श्रेय हमारे यहाँ इस कैंप का श्रेय जो है कंचन पाठक जी को जाता है जो कि भारत संगम की जो है महासचिव है। अब मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, इनके और भी पदाधिकारी भी साथ में हैं, पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती राधा मिश्र, यहाँ कैंप लगा हुआ है, वैक्सीनेशन हो रहा है भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी की ओर से आयोजन किया गया है और हमेशा ये सोसाइटी हमेशा ऐसे कार्य करते रहती है। मैं बहुत ही आभार और प्रकट करती हूँ कंचन पाठक जी का और टीम का जो इस तकलीफ में लोगों के लिए हमेशा सोचती रहती है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा भटक रहे थे इधर उधर। आज उन्होंने यहाँ पर हनुमान सेतु के पास में इतनी भीषण गर्मी और बरसात में भी पूरे सुबह से लेकर के अब तक का वैक्सीनेशन चल रहा है और बहुत असंख्य लोगों ने आकर के इसका लाभ लिया है। इसलिए मैं कंचन पाठक जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप जैसे छोटे तभी ये लोग इनको कोई परित्यक्त है जो समाज से और भिक्षुक वर्ग के लिए और जिनके कोई है नहीं अभिभावक इस टाइप के लोगों के लिए आप हरदम सोचती रहती है और तत्पर होकर के कार्य करती रहती है। तो इसके लिए प्रेरणा की स्रोत आप सबके लिए है और मैं चाहूंगी कि सब लोग सहयोग करें। करता हूँ आज वैक्सीनेशन का पूरा है और जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनका वैक्सीन लगा रहे हैं भारत संगम मिलके हम काम कर रहे हैं और इसमें रमा जी जो है उन्होंने हमको बताया कि वाल्मीकि बस्ती में बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है किसी कारण नहीं हो पा रहा है तो उनसे बात की और यहाँ आज एक कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें रमा जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने काफी सहयोग किया है लोगों का और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी तो हम जिनके पास आधार कार्ड है उनसे लगा रहे हैं लेकिन जो हमने यहाँ देखा है कि ज्यादा भी ऐसे आधार कार्ड नहीं है। आपका इशारा भिक्षुक की तरफ है। जी जी बिल्कुल, और उनका वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है उसके लिए हम सीएमओ से बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे कि उन लोगों का जिनका आधार कार्ड नहीं बना है जो हमारे भिक्षु भाई हैं बहन हैं उनका कैसे वैक्सीनेशन होगा, क्या वो मतलब इस देश के अंग नहीं है, स्टेट के अंग नहीं है, उनका उनकी तरफ पहले ध्यान दिया जा रहा है कि वो सड़क पड़े हुए होंगे लेकिन उनकी वैक्सीनेशन इंडिया कौन सा महामारी बन है क्या। तो मैं चाहूंगी कि अगला स्टेप मैं उनके लिए कैंप लगवाना चाह रही हूँ और मैं इसके बारे में आगे बात भी करूंगी और मैं लगवाऊंगी भी और मैंने वैक्सीनेशन खुद भी नहीं करवाया है, जब तक उनका नहीं लगेगा तब तक मैं अपना स्वैप भी नहीं लगवाऊंगी। देखिए इनकी बहन जो है आप सोच देखिए, कंचन पाठक जी सोचिए, जब तक इनके भिक्षुकों को नहीं लगवाएंगे वैक्सीन ये खुद नहीं लगवाएंगे तो मैं सरकार से भी जो है निवेदन करता हूँ कि वो इस तरफ जरा ध्यान दें और आगे भी जो है ये इसका जो कैंप लग रहा है भिक्षुकों के लिए स्पेशल कैंप लगवाया जाए ताकि हमारी कंचन पाठक जी का सपना पूरा हो सके और ये भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा सके। आधार आईडी के बगैर भी कैसे कैसे व्यवस्था की जिसकी सीजन सरकार को सोचना चाहिए कि उन व्यक्तियों का क्या है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी ही नहीं है उनका क्या है, उनके लिए क्या कैसे हम वैक्सीनेशन करेंगे, महामारी तो सभी के लिए है। थैंक यू। और अपनी संस्था के बारे में आप क्या आगे आपकी मेरी संस्था भारत संगम जागरूक नागरिक सोसाइटी है, आज मैं 5 साल से हम इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं उसमें है और राधा जी से सर जी हमारे साथ अनुमा जी है ऐसे लोग बढ़ने जा रहे हैं हमारे साथ टीम के साथ और दोनों का ये है कि हम जो है इनके स्वास्थ्य से संबंधित काउंसलिंग तो ये सब काम करते हैं, पढ़ाने लिखाने का काम रोजगार करा रहे हैं इनको एक तरीके से अच्छा मार्गदर्शन और एक नॉर्मल जीवन जी सके। इस क्लब के जो है गवर्नर भी आ चुके हैं, एडवाइजर ओके सॉरी एडवाइजर जो आगे आ चुके हैं, मैं उनसे तो बात करना चाहता हूँ।
आप बताएं अपना परिचय। मेरा नाम है ड्राइंग सुरेश कुमार, आई एम प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉइस क्लब से मैं करीब 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह की गतिविधियाँ जो हमारे क्लब की होती रहती है उसमें हम लोग बहुत सक्रिय रूप से लगे रहते हैं कि हम लोगों का उद्देश्य यही है उस जनमानस तक पहुँचे जहाँ पे पूरी सुविधा नहीं होती है। आजकल कोई भी कैंप लगता है कहीं सरकारी सुविधा है, छोटे लोगों को नहीं पता चल पाता कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए और कैसे सुविधा ली जाए। इसलिए हम इस स्थान तक पहुँचेंगे वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको ध्यान नहीं है कि कैसे वैक्सीनेशन कराया जाए, उसका उद्देश्य इस स्थान पर लगाने का था कि हम लोग जनता तक पहुँचे और ऐसे तबके के तक पहुँचे हैं जो इसकी सुविधाएं ले सकते। हरियाणा जी हार्दिक धन्यवाद। नेस क्लब से गवर्नर सिटी से गवर्नर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की हम 2009 से मैं इसमें आई हूँ जुड़ी हुई हूँ और हमारा साथ जो कंचन जी भारत संगम जागरूक नागरिक जागरूक जो संस्था है उसके साथ हम ये 5-6 साल से जुड़े हुए हैं और हम इनके साथ मिल के जो ये इच्छा प्रीति के है वो उसको भी हम देखते हैं, इनके साथ हम लगे रहते हैं और हमारे काम में भी जो हमारा जो लायंस क्लब का है जैसे अंडर प्रिविलेज लोग जो गरीब लोग हैं तो सिर्फ मतलब जो भी उनकी जो है आई कैंप लगता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है कभी मतलब जाना होता है तो हम लोग एक कपल डिस्ट्रीब्यूशन है आई कैंप मेडिकल कैंप इन्वायरमेंट का जो है पूरा हमने कई सारे पार्ट डेवलप करे हैं। कुछ तो लायंस क्लब ने हमको मतलब गिफ्ट भी दिया हुआ है, कुछ गवर्नमेंट के स्कूलों को हेल्प लेके उससे डेवलप करते हैं और आज जब ये कोविड का इंजेक्शन का जो दौर चला बहुत सही ये देखा कि बहुत से लोग कॉन्फिडेंट के लोग जो मतलब छोटे लोग हैं ना समझ लोग हैं इंटीग्रेट लोग हैं वो नहीं समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोग ने पहले कैप लगा के इसकी जागरूकता दी है लायंस क्लब ने जितने भी एक गवर्नर के अंडर में हम लोग के 10 जिले होते हैं और एक एक जिले में जो है बहुत सारे लायंस कैप क्लब होते हैं तो सब लोगों का मीटो कार्ड ये होता है पहले उन्होंने अवेयरनेस दी है कि भाई इससे फायदा क्या है। अब तो ये इतनी महामारी आई इसमें जो है कितने लोग ने अपनों को खोया है और ये जो हमने बताया था कि बॉडी में इसका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा आप जब इंजेक्शन लगाइए बहुत लोगों को भ्रम था उस भ्रम को हम अपने कैंप लगा के अवेयरनेस देकर उसको हमने दूर किया है। आज बहुत से लोग आपके सामने तैयार हैं कि देखिए 8:30 बजे से यहाँ लाइन लगी हुई है और हमारे लायंस क्लब में ऐसे ऐसे हमारे पास 4-5 हजार को हम लोग जो है बेनिफिट लोगों को पहुंचा चुके हैं और रोज हमारे यहाँ कैंप लग रहा है। हम जैसे लायंस क्लब लखनऊ वरिषा के हैं तो हमारे ऐसे तो लखनऊ में आपके 46 या 50 या 75 जो भी कैंप हैं और ये हैं क्लब हैं तो वो डेट लगी हुई है कहा गया 10-15 कैंप लग चुके हैं और 10-15 कैंप लगा हुआ है। सीएमओ से हमारे जो हेड लोग जाते हैं जैसे मैं इन्वायरमेंट की हूँ तो आपके मुलाकात के लिए हमारे गिरीश जी बात कर दीजिए वो इसी के हेड हैं वो भेंट लेते हैं शहर की बात करते हैं लोगों को पहुँचाते हैं हम लोग जिनके जिनके एरियाज में उसको मैनेज करके जैसे हमें यहाँ कंचन मिल गई ऐसे हर एरिया में कोई ना कोई हमारा लाइज का रहता है। अभी राधा गिरीश जी हमारे साथ नहीं खुली हुई है हमारे नए नेता को देता हूँ हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ खुले हम आपके साथ सवाल ये देखिए जाना होता है सब मिलकर करेंगे। समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं बहुत गरीब लोग हैं बहुत पिछड़े लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है तो हम चाहते हैं हम लोग मिलकर इस तरह का काम करेंगे कुछ तो कर सकते हैं हम लोग समाज के लिए जुड़े हुए हैं भाई का भी जुड़े हुए हैं हम लोग इस तरह से काम करते हुए। Don't forget to like and subscribe this channel.